रात करीब 1 बजे को पंडो चौकी के अंतर्गत पंडो डैम के पास पीबीटी टनल के पास गार्ड की 2 गुमटियों में आग लगी। आग लगने के कारण 2 लकड़ी के कमरे जलकर राख हो गए। इस आगजनी में मुख्य आरक्षी संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय श्रवण सिंह जिला हमीरपुर 4th IRBN जंगलबेरी की मौके पर ही जलकर मृत्यु हो गई। करीब 1 बजे रात को पंडोर डैम के पास पीवीटी टनल के पास गारद की 2 गुमटियों में आग लगी। आग लगने के कारण 2 लकड़ी के कमरे जलकर राख हो गए। इस आगजनी में मुख्य आरक्षी संतोष कुमार पुत्र स्वर्गीय श्रवण सिंह गांव डलवान डाकगर कुटले जिला हमीरपुर 4th IRBN पंडो बग्गी टनल जंगल वैरी की मृत्यु मौके पर जलकर हो गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझा दिया। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु ने दी। उन्होंने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। उन्होंने कहा कि मौके पर फॉरेंसिक टीम ने निरीक्षण कर लिया है। जांच के बाद की आग लगने का कारण क्या था इसका पता चल पाएगा। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। देखिए, रात में 1:15 बजे के करीब एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पंडो चौकी में और सदर थाना में प्राप्त हुई थी कि जो पंडो में पीवीटी की गार्ड रूम है वहाँ पर आग लगी हुई है, और उसकी सूचना मिलने के उपरांत फायर और पुलिस विभाग जो है वहाँ मौके पर पहुँचा था। मौके पर पाया गया कि जो 2 गुमटियाँ थी जिनमें पुलिस के कुछ कर्मचारी रह रहे थे उसमें आग लगी है, और एक जो हवलदार यहाँ पर ड्यूटी थे 4th बटालियन से संतोष कुमार, उनकी उस घटना में मृत्यु हो गई है, और जो बगल में 2 लोग रह रहे थे वो सेफ बच गए हैं। अब यहाँ मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण कराया गया है FSL की टीम से, और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भी लेकर जाया जा रहा है, और आगामी जांच जो है वो 174 CRPC के तहत जो है अमल में लाई जा रही है। देखिए, इसीलिए अभी फॉरेंसिक की टीम विजिट कराई है, तो जैसे ही फॉरेंसिक की टीम से हमें कुछ डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है कि उस आधार पर फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।